अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट टू में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना सीखेंगे। पार्ट वन में हम लोग वर्नर थ्योरी, उसके पास्टुलेट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट ये देख चुके हैं। इसमें हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखेंगे। तो वह इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि 60 में इसको लिखते हैं ई ए एन, इसका पूरा नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसके लिए जस्ट एक सिंपल फार्मूला है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसी फार्मूले पे। फार्मूला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का ये है, ई ए एन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेंट्रल एटम रहेगा उसका एटॉमिक नंबर, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। सब सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ये भी लिख देते हैं ऑफ सेंट्रल मेटल, प्लस प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आपका इफेक्टिव टाइम नंबर का फार्मूला है। इससे आप अब ये फार्मूला अप्लाई करके किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ईएएन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्वेश्चन वन, फाइंड ईएएन वैल्यू। कंपाउंड ए है CONH3, टेकन 6, Cl3। इसका ई एन वैल्यू बताना है, तो सिंपल सा फार्मूला वही ऊपर वाला अप्लाई करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल का डायग नंबर कितना है? सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, कोबाल्ट का डायग नंबर कितना होता है? कोबाल्ट का डायग नंबर होता है 27। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। इसका ऑक्सीडेशन आप स्टेट बगल में निकाल लीजिए, जिसको आता होगा तुरंत निकाल लेगा, नहीं तो एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। वही सिंपल सा जो रेडॉक्स स्टेशन में सीखें, इसका जिसका निकालना उसका यक्स मान लेंगे, प्लस अमोनिया लिगेंड का होता है न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका जीरो होता है वैलेंसी, प्लस 0 × 6 टाइम है तो 6 के मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ क्लोरीन का -1 होता है वैलेंसी, 3 टाइम है तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि -3 यहाँ पे रखेंगे, फिर प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, 2 × 6। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 27 − 3 + 12। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 27 − 3 + 12 में से 3 या 9, 27 + 9 इज इक्वल टू 36। यानी कि कोबाल्ट इससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका इफेक्टिव टाइम नंबर आएगा वो 36 आएगा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। CONH3 टेकन 6, Cl3 के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आएगा। अब ऐसे आप किसी और कंपाउंड का निकाल लीजिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जैसे कि क्वेश्चन टू, इसमें आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है CU, नहीं CU, इस पर CL दे रहे हैं, CU
सिक्स। अब इसमें टाइम नंबर कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव टाइम नंबर फार्मूला वही रहेगा। फार्मूला तो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, 29 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा इसका, तो इसका +2, इसका -6, तो -4 यानी कि +4 आ जाएगा। आप इसका निकालेंगे कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉर्डिनेशन कंपाउंड का, तो कॉपर का +4 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 इंटू कॉर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, बस इसको फर्दर सॉल्व कर लिया जाएगा। 29 -4 +12, 4 + 12, 29 -8 इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर 21, इसका टाइप नंबर आ जाएगा 21। एक मिनट, तो 8 प्लस ज़्यादा है ना, 29 +8 हो जाएगा यहाँ पे, +12 ज़्यादा है, -4 कम है तो +8 है। 29 में ऐड करेंगे 37 आ जाएगा यहाँ पे, वेरी सॉरी 37, एडिशन देख लीजिए ना, 12 प्लस ज़्यादा है, -4 कम है मतलब वैल्यू में, तो प्लस का साइन रहेगा तो +8, 29 में +8 जोड़ेंगे 37, इस कंडीशन कंपाउंड का इफेक्टिव टैग नंबर 37 आएगा। क्वेश्चन थर्ड इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन थर्ड है, एक कंपाउंड है K4, सबका वही इफेक्टिव टाइम नंबर निकालना है, K4Fe(CN)6। अब इसका EN निकालना है, तो इसका EN वही फार्मूला आपका फिर से अगेन अप्लाई होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, आयरन का टाइम नंबर होता है 26 माइनस, आप खुद से भी सॉल्व करेंगे और लास्ट में दो क्वेश्चन देंगे जिसको आपको खुद से सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसके लिए तो आपका आयरन का हो जाएगा टाइम नंबर 26, 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का कितना हो जाएगा +4 -6 यानी कि +2 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये 2 रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर +2 इंटू, अच्छा रुक जाओ पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले आपको क्या निकलना है, लिखना है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यही फार्मूला है। एटॉमिक नंबर कितना है आयरन का 26, ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करेंगे तो यहाँ -6 है, यहाँ +4 है, -2 हो जाएगा तो +2, ये 2 हो गया, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, इसको सॉल्व कर लिया जाएगा 26, 26 -2 +12, 26 +10 यानी कि 36 इसका जाएगा 36। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ऐसे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिया रहेगा उसका एटॉमिक नंबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इसका आप लोग कमेंट करिएगा K2, मतलब खुद से सॉल्व करिएगा K2HgIO4, आई होप कि कर लेंगे। सेकंड वाला इसका आपको बताना है EAN की वैल्यू, सेकंड कंपाउंड है AgNH3 टेकन ट्वाइस Cl, इन दोनों की EN की वैल्यू आपको कमेंट करनी है।